हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 17 इंडिपेंडेंट इंडिया। लेसन नंबर 16 में हमने पढ़ा था कि गांधी जी जो थे हमारे, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। तो इसी से आगे कंटिन्यू जो हमारा है, ठीक है, हमने 15 लेसन से हमारी जो फ्रीडम से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं वो पढ़ने स्टार्ट किए थे। 15 में हमने पढ़ा था कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें फ्रीडम की, कैसे करना स्टार्ट किया हमने, इसके लिए क्या क्या करना शुरू किया 16 लेसन में था। 17 में किस तरह से हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, आगे की जो कंटिन्यू हमारे, जो हमने क्या क्या स्ट्रगल हमने किए हमारे पूर्वज ने, वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द फर्स्ट द ईयर 1915 वॉज अ क्रूशियल ईयर इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। 1915 जो साल था वो हमारे इंडिया के आज़ादी के संघर्ष के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा था। इन दिस ईयर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इस साल गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। कौन थे गांधी जी, उनके बारे में डिटेल यहाँ पर है। गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ही स्टडीड लॉ एट इन इंग्लैंड। वो लॉ की स्टडी करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए। आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ। कि वो लॉ की डिग्री पूरी होने के बाद ला के प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। मेन मेन पॉइंट जो हैं अंडरलाइन करते जाएंगे आप इनको। गांधी जी देयर ही सा मिसरेबल कंडीशन ऑफ इंडियंस। साउथ अफ्रीका में जाकर गांधी जी ने वहाँ पर इंडियंस के साथ बहुत, जो इंडियन का हाल था उसको देखकर वो बहुत बुरे, उनको बहुत दुख हुआ। दे वर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाई वाइट्स। और क्यों उन्हें दुख हुआ था, क्या हालत थे वहाँ पर इंडियंस के, भारतीय के साउथ अफ्रीका में, कि साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे वो लोगों के साथ बुरा बिहेव करते थे, उनको इंसान नहीं समझते थे वो। गांधी जी स्टार्टी सत्याग्रह विच मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट आवाज़ कैसे उठाई, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो किस पर बेस्ड था उनका सत्याग्रह आंदोलन का क्या मतलब था, कि सच्चाई का साथ देना। इट वाज अ मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं किया, शांति से वो अपना सिर्फ सच का साथ देते, गलत को वो सहन नहीं करते। गांधी एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी और आज़ादी का संघर्ष। गांधी जी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन द कैंपिंग इन साउथ अफ्रीका। और उनके इस आंदोलन ने, जो सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने वहाँ पर चलाया था, उनको इसमें काफ़ी सफलता मिली। हिज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका हेल्प्ड हिम अ लॉट व्हेन ही केम बैक टू इंडिया। और उनका जो तजुर्बा रहा था साउथ अफ्रीका में, वो जब यहाँ इंडिया वापस आए, उस चीज़ की उनको काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे कि हमें इन लोगों से किस तरह से हैंडल करना है। गांधी जी हैड ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। वो इंडिया के हर एक पार्ट में गए। ही हैड सीन पावर्टी इन विच मोस्ट ऑफ द इंडियंस लिव। उन्होंने लोगों की गरीबी को देखा, जबकि उस टाइम हमारे जो इंडियंस थे ऑलमोस्ट सभी गरीबी से जूझ रहे थे। ही रियलाइज दैट एज लॉन्ग एज दे वर डिवाइडेड बाय रिलीजन एंड कास्ट द ब्रिटिश विल रिमेन मोर पावरफुल। उन्होंने महसूस किया कि ये जो धर्म के नाम पर हमें बांटा गया है, इससे हमारे जो ब्रिटिश सरकार है वो और पावरफुल होती जा रही है। ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू फॉलो द कास्ट सिस्टम। उन्होंने लोगों को बताया कि आप कास्ट सिस्टम को फॉलो मत कीजिए, ये जो धर्म जातिवाद पर हमारे बीच हम लड़ रहे हैं, ये आप मत कीजिए ऐसा। द पीपल वर नॉट यूनाइटेड, बट लोग एक साथ नहीं हुए, एकजुट नहीं थे वो। गांधी जी डिसाइडेड दैट यूनिटी वुड बी द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट वो कौन से हथियार का यूज़ करेंगे,
जो कि सबसे पावरफुल था एकता का, ठीक है, यूनिटी का, क्योंकि एकता में ही बल होता है. ही ऑल्सो वॉन्टेड अ कॉमन लैंग्वेज टू लिंक द एंटायर कंट्री, और वो चाहते थे कि हम एक ही भाषा को अपनाएं पूरी कंट्री को बांधने के लिए. द ब्रिटिश हैड नो डिज़ायर टू गिव इंडियंस द पावर टू रूल देमसेल्फ. अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय अपना खुद का राज यहाँ पर चलाएं. द पीपल वर अगेंस्ट दिस एटीट्यूड, और हमारे भारतीय इसी चीज़ के अगेंस्ट थे कि हम अपनी ही कंट्री में रहकर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे. गांधी जी स्टार्टेड ही साइलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट. गांधी जी ने अपना शांति प्रिय मूवमेंट स्टार्ट करने शुरू किए. ही आस्क द पीपल टू ब्रेक द ब्रिटिश लॉ. उन्होंने लोगों को कहा कि ब्रिटिश के जो नियम हैं उनको तोड़ो, उनको ब्रेक करो. पुलिस अरेस्टेड हिम. पुलिस ने उनको अरेस्ट किया इस चीज़ के लिए क्योंकि वो लोगों को उकसा रहे थे. एंड द प्रोटेस्टर वर बीटन हार्शली, और उनके जो प्रोटेस्टर थे उनको काफ़ी बुरे तरीके से मारा गया. जलियांवाला बाग मैसकोर. जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो काफ़ी हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में काफ़ी याद किया जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही बुरी दर्दनाक घटना थी. द मोस्ट सीरियस इंसिडेंट्स टुक प्लेस एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919. और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को. ठीक है, क्या हुआ था इस दिन? कि अबाउट 20,000 मैन वुमेन चिल्ड्रन हैड गैदर टू सेलिब्रेट बैसाखी, क्योंकि 13 अप्रैल हमारा बैसाखी का फेस्टिवल होता है उस टाइम. आज भी हम 13 अप्रैल को बैसाखी के रूप में मनाते हैं, लेकिन उस दिन भी लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है. जनरल डायर जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, डिसाइडेड टू टीच द इंडियंस अ लेसन. उसने भारतीयों को सबक सिखाने के लिए क्या तय किया? ही ब्लॉक्ड द ओनली गेट ऑफ द जलियांवाला बाग एंड आस्क्ड हिज आर्मी टू ओपन फायर, कि उसने जितने भी गेट थे बाहर जाने के जलियांवाला बाग से उसने सभी बंद कर दिए, अपने सिपाही वहां खड़े कर दिए और उनको ऑर्डर दे दिया कि अंधाधुंध फायरिंग आप स्टार्ट कर दीजिए. लोगों को आइडिया नहीं था कि हमारे ऊपर ऐसे अटैक होगा एकदम से. तो हंड्रेड ऑफ सिविलियंस वर किल्ड एंड इंजर्ड, बहुत सारे इसमें नागरिक मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए. दिस इंसिडेंट शॉक द होल कंट्री, और इस हादसे ने पूरे इंडिया को शॉक में कर दिया कि ये अचानक से क्या हुआ, एकदम से उनके ऊपर ऐसे अटैक किया गया, जबकि अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू भी नहीं किया था, वो सिर्फ अपना शांति प्रिय आंदोलन वो कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और इस जब ये घटना हुई तो इससे हमारे सारे भारतीय, हमारे सारे नेता, जो हमारे इंडियंस नेता थे, वो काफ़ी हर्ट हुए कि ये ब्रिटिश ने काफ़ी गलत काम किया. द होल नेशन वॉज सॉक्ड एट द ब्रूटेलिटी ऑफ द ब्रिटिश, कि अंग्रेज़ों की इस क्रूरता के कारण जो ये उन्होंने काम किया था, सारा देश जो था वो शोक था. द आंसर वॉज सत्याग्रह, लेकिन फिर भी उनका आंसर किस चीज़ से दिया गया? सत्याग्रह से, कि हमें सच का साथ नहीं छोड़ना है, आप चाहे हमारे ऊपर कितने भी आप जुल्म हमारे साथ कीजिए. फाइटिंग विदाउट वॉयलेंस, लड़ेंगे लेकिन बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई के. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. जलियांवाला बाग कांड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? असहयोग आंदोलन. कब शुरू किया गया था? 1920 में. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट देयर स्कूल्स एंड कॉलेज टू ज्वाइन द मूवमेंट. 1920 में स्टार्ट किया गया था. बहुत सारे बच्चों ने, कॉलेज जाने वाले बच्चों ने, स्कूल जाने वाले बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने स्कूल कॉलेज को लेफ्ट कर दिया, क्योंकि स्कूल कॉलेज उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे तो उनका वो ब्रिटिश को सहयोग नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो उनको ब्रिटिश को इनकम नहीं होगी. गांधी जी वॉन्टेड दैट दिस मूवमेंट शुड बी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट. गांधी जी चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है, आंदोलन उन्होंने चलाया था, वो शांति प्रिय हो, किसी प्रकार का हिस्सा किसमें ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो.
In the meantime, an incident took place at Chauri Chaura in UP. और इसी दौरान चौरी चौरा यूपी में एक जगह है पुलिस चौकी का नाम, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक हादसा घटा वेयर एन एक्साइटेड क्राउड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन एंड बर्न 22 पुलिसमैन अलाइव, जहाँ पर हमारे कुछ भारतीय ने जो कि काफ़ी तंग थे ब्रिटिश के रूल से और वो शांति से वो देख चुके थे कि नहीं हो रहा कुछ भी, तो उन्होंने आगोश में आकर क्या किया, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसमैन जो थे वो जिंदा जल गए। गांधी जी फेल्ट सॉरी एंड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी को इस चीज़ का बुरा लगा और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं पर ब्रेक लगा दिया, उन्होंने असहयोग आंदोलन ख़त्म कर दिया। सम पीपल बिलीव दैट वॉयलेंस इज़ ओनली आंसर टू वॉयलेंस, कुछ लोगों का मानना था कि वॉयलेंस जो है हमारा हिंसक का जवाब हिंसक से ही मिलना चाहिए, कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर ऐसे जुर्म कर रही है, ऐसे टॉर्चर कर रही है, तो हमें भी शांति से उनका जवाब नहीं देना, उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देना चाहिए। देवर नोन एज रिवोल्यूशनरीज, और इन्हें क्या कहा गया, रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, उन्हें क्रांतिकारियों का दर्जा उन्हें दिया गया। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो आज भी हमारे इतिहास में उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं, वो कौन कौन थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बी के दत्त, राजगुरु, जतिन दास। 16 लेसन में आपने खुदीराम बोस, ये भी हमारे रिवोल्यूशनरी ही हैं। विड्रॉल ऑफ सिमोन कमीशन, सिमोन कमीशन को नकारना। November 8, 1927, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द चैम्पियनशिप ऑफ सर जॉन सिमोन टू हैंडल लॉ ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया। इंडिया क्योंकि हमारे जो ये क्रांतिकारी थी, इन्होंने अपना आंदोलन अलग से शुरू किया था, इन्होंने अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया था, तो हमारे जो भारत की कंडीशन थी उस टाइम काफ़ी उसमें मतलब विद्रोह छिड़ चुका था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किए, ठीक है, सिमोन, जिन सर जोहन सिमोन उनका नाम था, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इंडिया की सिचुएशन को संभालो। इट हैड नो इंडियन मेंबर, लेकिन उनके जो उस कमेटी में, सिमोन की कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था। व्हेन द सिमोन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, और जब सिमोन कमीशन अराइव इंडिया आए, जब ये हमारी कमेटी उनकी 1928 में, द पीपल बायकॉटेड इट, लोगों ने इसका बहिष्कार किया, एंड ग्रीटेड इट विद ब्लैक फ्लैग, और उनको काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाने का मतलब क्या होता है कि हम आपके साथ नहीं हैं। इट फेस्ड द क्राइज ऑफ सिमोन गो बैक, उन्होंने नारे लगाए कि सिमोन वापस जाओ। एट दिस टाइम द रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम वर ग्रेजुअली ग्रोइंग वॉर्स, और उस टाइम हमारे जो हिंदू और मुस्लिम के जो आपस में संबंध थे वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुके थे। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बी के दत्त एक्सप्लोडेड टू बॉम्ब्स ऑन द फ्लोर ऑफ सेंट्रल असेंबली, कि 8 अप्रैल 1929 को हमारे दो क्रांतिकारी भगत सिंह ने एंड बी के ने सेंट्रल असेंबली में बम को गिराया। दे मेड नो अटैम्प्ट्स टू एस्केप, और उन्होंने ऐसा करके भागने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। भगत, राजगुरु एंड सुखदेव वर सेंटेंस टू डेथ, और उनको इस काम के लिए फांसी की सजा सुनाई गई, उनको फांसी दी गई। मैनी रिवोल्यूशनरी लेड डाउन देयर लाइव फॉर देयर मदर लैंड, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी भारत माता जमीन के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है। न्यू लीडर्स ज्वाइन द मूवमेंट, बहुत सारे लीडर्स ने इन मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, इसमें इसका वो हिस्सा बने। मैनी न्यू लीडर्स ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी का जो ये संघर्ष हमारा जारी था। सम ऑफ देम वर, और उनमें से कौन कौन थे जो न्यू इसमें ज्वाइन हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, चितरंजन दास, मोहम्मद अली एंड शौकत अली।
इन सब के नेम आप अंडरलाइन करोगे। दे आर ऑल्सो नोन एज अवर फ्रीडम फाइटर्स। इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड द फार्मर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट बरदोली। कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल तो चल ही रहा था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का भी एक संघर्ष शुरू किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, किसानों पर पाबंदियां लगा रखी थी काफ़ी, उनसे कर वो वसूलते थे, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना संघर्ष किया, आंदोलन शुरू किए। रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि पूर्ण अधिकार। अब क्या था कि हमारा मेन गोल, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिकारी थे, उन सब का एक ही उद्देश्य बन गया कि पूर्ण स्वराज। कि हमें कोई ये नहीं कि भी हमारा अधिकार हो या कुछ हो, हमें अपने इंडिया पर हमारा ही अधिकार चाहिए, किसी और के हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पूरे रूप से स्वतंत्रता। एट द लाहौर सेशन इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस डिसाइडेड दैट इट वुड नॉट रेस्ट अंटिल इट वुड अटेन पूर्ण स्वराज। कि लाहौर में जो सेशन हेल्ड किया गया दिसंबर 1929 में, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हमें तब तक नहीं रुकना जब तक हम अपना पूरा अधिकार प्राप्त ना कर लें और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता ना प्राप्त कर लें। द रिजोल्यूशन वॉज पास बाय एन ओवरवेलिंग मेजोरिटी ऑफ डेलीगेट्स। उनके इस संघर्ष में सबने बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया। गांधी जी लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1930 में ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि उनकी आज्ञा को अवहेलना करना, कि जो ब्रिटिश ऑर्डर देती थी उनको अवहेलना, उनको ना मानना। ही वॉक्ड अप टू द सी कोस्ट एट डांडी नियर सूरत एंड ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द अनजस्ट साल्ट लॉ। और गांधी जी ने ये जो अपना मूवमेंट था वो कहाँ से शुरू किया, 1930 में उन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया। नमक कानून, नमक कानून क्या था कि गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ था कि कोई भी इंडियन, जबकि देखो हमारे ही समुद्र हैं, ठीक है हमारे ही यहाँ पर नमक बनता था, लेकिन कोई भी भारतीय अपनी इच्छा से वहाँ से जाके नमक नहीं ला सकता था, उसको वो मार्केट से ख़रीदना था। और मार्केट में क्या था, हमारे ही देश में बनी हुई चीज़ को हमसे ही, हमारे से ही वो उसकी कीमत ज़्यादा वसूलते थे वो लोग, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, उसकी कीमत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो ब्रिटिश थी वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी कि ये आपको मार्केट से ही ख़रीदना है और उसी दाम में ख़रीदना है जितने पे वो उसको बेचेंगे। तो ये था हमारा साल्ट लॉ, और इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, इस लॉ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1930 में। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो दांडी तक, जो दांडी का समुद्री किनारा था वहाँ तक वो सूरत के पास पैदल गए। ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग एंड कलेक्टिंग साल्ट, और उन्होंने वहाँ पर जाकर नमक को कलेक्ट किया उस, और कलेक्ट करने का मतलब क्या था कि उस लॉ को उन्होंने तोड़ा। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेंस ऑल ओवर द कंट्री टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट, और उसके उनके इस सहयोग में बहुत सारे हमारे भारतीयों ने, पुरुष नारियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनकी सहायता की। दिस जर्नी ऑफ गांधी जी वॉज कॉल्ड डांडी मार्च, और उनकी ये जर्नी यात्रा किस नाम से फेमस हुई, डांडी मार्च यात्रा के नाम से। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हमारा पेज नंबर 123 एंड 124 रहेगा वर्क, आपको ये रीड करने हैं, और मेन पॉइंट्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।